नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1 मार्च से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च सोमवार से शुरू होगा। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र वाले वैसे बीमार लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जो 20 प्रकार की बीमारियों में से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। पंचायत चुनाव, खाता बही होगा सही तभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे मुखिया। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पंचायतों से जुड़े पुराने आदेश निर्देश की समीक्षा नए संदर्भों में शुरू हो गई है। बता दें, इस क्रम में यह साफ हुआ है कि मुखिया जी को यदि दोबारा चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के खाता बही का हिसाब किताब सरकार को देना होगा। कहीं कोई चूक हुई तो वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नेतरहाट आवासीय समेत राज्य के 14,000 स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। राज्य के 14,114 सरकारी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। बता दें, इन स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को रविवार तक साफ सफाई, सैनिटाइजेशन से लेकर पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर लेने का निर्देश दे दिया है। सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए कमरों की संख्या के अनुसार सरकार राशि भी देगी। तंबाकू उत्पाद के व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लेना होगा लाइसेंस। राजधानी में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। बता दें, जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे, ऐसे दुकानदार पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विक्रेता इस संबंध में राजस्व शाखा में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा रांची नगर निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में लगातार बढ़ रहा राजद का जनाधार, जयप्रकाश। राष्ट्रीय जनता दल राजद के झारखंड प्रदेश प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य में 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड में राजद का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, इसे और आगे ले जाना है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के निर्देश पर ही उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वे रांची आए हैं। बता दें, उन्हें बोकारो, धनबाद व देवघर का दौरा कर वहां जिला प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक राजद की स्थिति की समीक्षा करनी है और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना है। झारखंड में भय का माहौल, बीजेपी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के आमा टोली टोले से लौट कर आए दीपक प्रकाश ने वहां घटी घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बता दें, बीते मंगलवार को इस गांव में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासी समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में प्रार्थना और खेल पर सरकार ने लगाई रोक। 1 मार्च से खुल रहे स्कूलों में भी प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल गतिविधियां नहीं हो सकेगी। बता दें, स्कूल खोलने से पहले सभी स्कूलों की साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश में स्कूलों की साफ सफाई के लिए कमरा के अनुसार कितने मजदूर लगाए जा सकेंगे, इनका भी निर्धारण कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग में लाए गए स्कूल विशेष साफ सफाई के बाद ही खुलेंगे। झारखंड में 1 मार्च से खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। राज्य में 1 मार्च से सभी कौशल विकास केंद्र खुल जाएंगे। इसी तिथि से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तृतीय चरण का भी शुभारंभ होगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव प्रवीण टोपो ने शुक्रवार को कौशल विकास केंद्रों को खोले जाने को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। डोरंडा स्थित श्रम भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत ही कौशल विकास केंद्रों को खोलने जाने को लेकर निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में आएगी कमी, रामेश्वर उरांव।
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और केरल सहित 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कारण पेट्रोल उत्पादों की कमी में 2 से 3 महीने के लिए कमी आएगी। वे शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राजभवन के समक्ष पार्टी के धरना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उरांव ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि सर्दियों में पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ जाने के कारण कीमत में बढ़ोतरी होती है। उनका यह बयान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही आया है ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान नहीं उठाना पड़े। झारखंड में 42 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 33, पूर्वी सिंहभूम 1, बोकारो 3, हजारीबाग 2, सरायकेला 1, देवघर 1, चतरा से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1088 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 492 है। भारत में 16,803 नए मरीज मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 157,087 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 161,506 है।